पागल थोड़ी ना, कोई बेफालतू क्यों बोलेगा, पैर ऊपर कर लो दोनों, जो दुनिया ऊपर से बैठी पड़ी है। क्या जवाब देगी, क्या देंगे जवाब, कैसे हैं आप सब लोग, स्वागत है आपका एक नए सफर में और स्वागत है आपका धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी वाराणसी, वाराणसी रेलवे स्टेशन पे। चलते हैं प्लेटफॉर्म के अंदर और शुरू करते हैं वन मोर जर्नी, घूमो इंडिया एंड घुमाओ इंडिया। ये वाराणसी स्टेशन का एक शानदार नज़ारा और ये देख लीजिए अपना वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन का नज़ारा कुछ ऐसा है। तो चलिए चलते हैं प्लेटफॉर्म के अंदर और शुरू करते हैं जर्नी। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं वाराणसी जंक्शन को एक नज़र में। टोटल प्लेटफॉर्म की बात करें तो टोटल 9 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है अपना वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन और ये पड़ता है अपना नॉर्दर्न रेलवे जोन के लखनऊ डिवीजन के अंदर कर और इसका स्टेशन कोड हुआ BSB। तो चलते हैं अपने प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे, अपनी लग चुकी है हमारा। तो दोस्तों देख लीजिए अपनी लग चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे महामना एक्सप्रेस, जिसका चलने की टाइमिंग है शाम को 6:55 पे। तो चलिए दिखा देते हैं आपका इसका लोकोमोटिव और फिर चलते हैं इसको दिखाते हैं इसका इंटीरियर। देख लीजिए वेव 5 इंजन के साथ गाजियाबाद डिपो के लगी है अपनी महामना एक्सप्रेस का लोकोमोटिव, कितना अच्छा और प्यारा लग रहा है। खासकर ये जो वेव 5 का इंजन लगा है काफ़ी अच्छा लगता है अपने को। और एक खड़ी है अपनी महामना एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे और दूसरी तरफ खड़ी है अपनी वाराणसी से चलकर देहरादून जाने वाली जनता एक्सप्रेस। ट्रेन चालू हुआ था 25 जनवरी 2016 को, यानी इसको चलते हुए टोटल हो चुका है 6 साल। तो 6 साल से लगातार चल रही है और ये चलती है अपने ICF रैक के साथ। और बात करें अपने महामना एक्सप्रेस की तो हफ्ते में चलती है 3 दिन, मंगलवार गुरुवार और शनिवार, हफ्ते में 3 दिन चलती है। 2016 को अपने प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया था। और ये देख लीजिए दोस्तों आज की जो अपनी जर्नी होने वाली है महामना एक्सप्रेस की 22417 जो वाराणसी से चलकर नई दिल्ली को जाती है, इसी की आज की अपनी जर्नी होने वाली है। और बात करें इसके स्टॉपेज की तो टोटल 6 स्टॉपेज होने वाले हैं इसके और ये कवर करती है 774 किलोमीटर की दूरी अपने 13:50 में। और स्पीड की बात करें तो 57 किमी पर आवर्स की इसकी एवरेज स्पीड होने वाली है और ये चलती है अपनी शाम को 6:50 से वाराणसी चलती है और अगले दिन सुबह 6:35 पर अपने को दिल्ली पहुंचा देती है सुबह सुबह। तो देखा जाए तो काफ़ी अच्छी ट्रेन है क्योंकि रात भर में आपको वाराणसी से दिल्ली पहुंचा देती है। और इसको ऑपरेट करता है नॉर्दर्न रेलवे जोन इसको ऑपरेट करता है। तो आइए चलते हैं अपने कोच में और दिखा देते हैं आपको इसका इंटीरियर। और दोस्तों देख लीजिए इसका इंटीरियर कुछ इस प्रकार है, आप देख सकते हैं इसका जनरल कोच का अपने जर्नी होने वाली है। इसका इंटीरियर सामने आपको हैंगर मिल जाएगा और चार्जिंग सॉकेट काफ़ी है चार्ज करने के लिए। बाकी ये देख लीजिए इस तरफ की चार्जिंग जोट है बाकी सामान रखने के लिए। और ये देख लीजिए इसके वाशरूम का नज़ारा, मिरर क्लीन है और पानी भी आ रहा है इसमें, डस्टबिन का हालत ख़राब है। बाकी चलते हैं वाशरूम में, वाशरूम भी काफ़ी अच्छा है, यहाँ का मिरर क्लीन नहीं है, बाकी पानी आ रहा है। और ये आपको हाथ धोने के लिए दिया गया है सब। तो कुल मिला जुला कर साफ़ सुथरी और अच्छी ट्रेन है। और आप लोग देख सकते हैं इसके जनरल कोच का नज़ारा कुछ ऐसा है। भैया तो दोस्तों टाइम हो चुका है इस समय 6:55 और अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है वाराणसी के प्लेटफॉर्म नंबर 7 से महामना एक्सप्रेस का। तो चलिए शुरू करते हैं जर्नी और मिलते हैं आपसे सीधे इसके नेक्स्ट स्टॉपेज जौनपुर
सिटी में। तो बाय बाय वाराणसी, फिर मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं पीछे एक बंदे को थोड़ा सा लेट हो गया और ट्रेन निकल गई, अभी भी दौड़ते हुए आ रहा है। आप देख सकते हैं बंदे को थोड़ा सा लेट हुआ और ट्रेन निकल गई, अभी भी दौड़ते हुए आ रहा है। तो कृपया आप ऐसा ना करें, अपने टाइम राइट समय से पहुँचे और ट्रेन में एंट्री लें, क्योंकि आ जाइए भाई, आइए 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 आइए, आराम से आराम से। अरे यार आ जाओ आ जाओ आराम से। देखिए बंदा दौड़ते दौड़ते गिर गया और बेचारे को चोट भी लगी। अरे भाई क्या यार, जान जोखिम में डालोगे थोड़े से। जाओ दूसरी ट्रेन से आ जाना, मत आओ। बंदा दो दो बार गिर चुका और अभी भी दौड़ रहा है। तो कृपया आप ऐसा ना करें और चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश ना करें। देखिए बेचारा अभी भी दौड़ रहा है। और ये देखिए दोस्तों, आउटर पे खड़ी है सूरत से भागलपुर जाने वाली छपरा होके ताप्ती गंगा एक्सप्रेस, सूरत छपरा भागलपुर, जो सूरत से आ रही है और भागलपुर को जाएगी। वाराणसी कैंट के यार्ड में खड़ी है आउटर पे। और पहले अपनी ताप्ती गंगा एक्सप्रेस भी ICF रेक के साथ चलती थी, लेकिन अभी हाल ही में इसको LHB किया गया है। तो भाई लोग, रात के 8:08 हो चुके हैं और हमारी ट्रेन 8:48 पर, इसका टाइमिंग था, और 8:08 यानी 20 मिनट की देरी से हम लोग आ चुके हैं जौनपुर सिटी रेलवे स्टेशन पे। और जौनपुर सिटी रेलवे स्टेशन की बात करें तो 3 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है। और दोस्तों 2 मिनट रुकने के बाद अपनी ट्रेन का जौनपुर सिटी से डिपार्चर हो चुका है। और हमने आपको इसके बारे में कुछ बता भी नहीं पाया, नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करें टोटल 3 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है और स्टेशन कोड हुआ JOP। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट स्टॉपेज पे, तब तक के लिए बाय बाय जौनपुर सिटी। तो भाई अभी तक अपने ट्रेन में वाराणसी से चली थी तो पूरी की पूरी मतलब बोगी खाली थी अपने जनरल कोच में, लेकिन यहाँ पहले स्टॉप पे जौनपुर पहुँचते ही अपनी ट्रेन में इतनी भीड़ हो गई है कि आपको बता नहीं सकते हैं। मतलब बैठने तक का भी जगह नहीं है। आप देख सकते हैं पूरा चारों ओर सभी लोगों को एकदम क्या हाल हो गया है, एकदम एक एक सीट पर 5-5 लोग बैठे हैं। सुल्तानपुर जंक्शन पे हम लोग आ चुके हैं। हाँ हाँ आजा भाई, आजा आजा भाई आजा। तो दोस्तों रात के 9:35 हो चुके हैं और अपनी ट्रेन 30 मिनट के देरी से आ चुकी है अपने सेकेंड स्टॉप पे सुल्तानपुर जंक्शन पे, आप देख सकते हैं। और यह सुल्तानपुर जंक्शन का प्लेटफार्म नंबर 3, और नंबर और प्लेटफार्म की बात करें तो टोटल 4 प्लेटफार्म का स्टेशन है। और यह अपना पड़ता है नॉर्दर्न रेलवे के लखनऊ डिवीज़न में। और दोस्तों बात करें इसके स्टेशन कोड की तो SLN इसका स्टेशन कोड हुआ, और जंक्शन पॉइंट इसलिए क्योंकि एक लाइन अपने जिधर से हम लोग आ रहे हैं वाराणसी से और जिधर जाएंगे लखनऊ होके दिल्ली, और दूसरी लाइन फैजाबाद होके प्रयाग घाट को जाती है, इसीलिए इसको जंक्शन पॉइंट भी कहा जाता है। तो टोटल यहाँ पे 5 मिनट का हाल्ट है और उसके बाद मिलते हैं आपसे सीधे लखनऊ जंक्शन पे। तो दोस्तों सुल्तानपुर में 5 मिनट रुकने के बाद अपने ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है।
चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट स्टॉपेज पे। हाँ भाई भाभी बोलो ना, उनके डैमेज हो तो बोल रहे हैं ना, मम्मी उनसे कुछ बोली और आप बैक कैमरे से देख लीजिए भीड़ का नजारा, कितना फूल हो चुका है अपने ट्रेन इधर से इधर से, पूरा एकदम देख लीजिए पूरा चारों ओर से पैक हो चुका है। तो यही है जनरल कोच का नज़ारा। तो दोस्तों सुल्तानपुर से ट्रेन खुलने के साथ हम लोग आ चुके हैं और हर स्टेशन पे भीड़ बढ़ती जा रही है, मतलब जौनपुर में कुछ चढ़े कुछ यहाँ पे आके एकदम लखनऊ जाते जाते अपना ट्रेन एकदम पूरा फुल पैक हो जाएगी। और आप देख सकते हैं एक बार आपको दिखा दे रहे हैं नज़ारा, देख लीजिए पूरा बहुत अच्छा। हेलो लग रहा है तो बोलने बेपाल तुम छोड़ना बोले पागल छोड़ने ना, कोई बेपाल तुम क्यों बोलेगा, पैर ऊपर कर लो दोनों, दो दुनिया ऊपर से बैठी पड़ी है। अच्छा भाई किसी तरह हमें बैठना है, खिड़की बने बैठना है। लखनऊ जंक्शन हम लोग आ चुके हैं, लखनऊ जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे अपनी ट्रेन आ चुकी है। ये है लखनऊ जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 7। तो दोस्तों टाइम हो रहा है एकदम 11:50 और अपनी ट्रेन आ चुकी है लखनऊ जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे। और यहाँ पे आने का इसका टाइमिंग था 11:48 पे, लेकिन अपनी ट्रेन यहाँ पे आई है पूरे 2 मिनट लेट, यानी 11:50 पे। बात करें तो टोटल 9 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है और LJN इसका स्टेशन कोड हुआ और ये आता है अपना नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के लखनऊ डिवीज़न में। और बात करें लखनऊ जंक्शन पॉइंट क्यों है, तो लखनऊ से एक लाइन कटती है अपनी गोरखपुर के लिए, एक लाइन दिल्ली के लिए जाती है वाया कानपुर होके, एक लाइन दिल्ली जाती है वाया आलमनगर होके, और एक लाइन सीतापुर बहराइच और मैलानी को जाती है। बाकी यहाँ से मुंबई चेन्नई बाकी हर जगह के लिए लाइन जाती है, इसीलिए एक इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन होने के साथ अच्छा खासा जंक्शन भी है। तो अपने ट्रेन का यहाँ पे टोटल 10 मिनट का हॉल्ट है और इसके बाद ट्रेन रुकेगी सीधा बरेली पे, लेकिन हम सीधा मिलते हैं आपसे एकदम मुरादाबाद पे। तो भाई लोग आप देख सकते हैं लखनऊ स्टेशन का ये शानदार नज़ारा, आप एकदम रात के 12 बजने वाले हैं और यहाँ का पूरा नज़ारा आप देख सकते हैं। खड़े रहो।
देख सकते हैं यहाँ अपने ट्रेन मामना के पीछे एक स्पेशल कोच जोड़ा गया है सैलून, तो यहाँ कहाँ तक जाएगा पता नहीं, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा कोच जोड़ा गया है। इसके बाद अपने ट्रेन का डिपार्चर होगा और आप ये देख सकते हैं लखनऊ जंक्शन नवाबों की नगरी में स्वागत है आपका। तो दोस्तों लखनऊ जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 से अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है। टोटल 15-20 मिनट रुकने के बाद, यहाँ पे 10 मिनट का हॉल्ट था और 15-20 मिनट रुकने के बाद अपने ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है। तो मिलते हैं सीधे आपसे नेक्स्ट स्टेशन, बरेली पे नहीं मिलेंगे, सीधे मिलेंगे मुरादाबाद पे। तो बाय बाय लखनऊ। जब से लखनऊ चले जब से चिल्ली तहलका मचा दिए जा रहा है, मगर फिर भी पड़े हो, उठ तो नहीं रहे ना, चाहे आपके कान में आ रही बच रहा हूं। कोई आदमी नंबर लगा सीट सीट लेके बैठा है तो आपको उठ के सब उठ जाए, नीचे रेशन है क्या? ठीक नहीं है, नीचे रेशन तो है नहीं, तो आप पहले सीट पे लग जाइए। अरे सब का चालू सब बैठ जा रहे हैं ना, तो फिर आप बैठने दो ना, तो बता रहे हैं चिल्लाना आता है, चिल्लाओ।
बैठा ले आ रहा था मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के 6:55 हो रहे हैं और हम लोग आ चुके हैं अपने छठे स्टॉपेज मुरादाबाद जंक्शन पे और अपनी ट्रेन लगी है मुरादाबाद जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर 5 पे और इस तरफ जा रही है दिल्ली से रेवाड़ी जाने वाली रेवाड़ी दिल्ली बरेली एक्सप्रेस पे इसका टाइमिंग था और ये आई है पूरे 1 घंटे डिले यानी 5:55 पे यहाँ ला के मुरादाबाद जंक्शन पे छोड़ी है। तो ये है मुरादाबाद जंक्शन का प्लेटफार्म नंबर 5 और हम यहीं पे अपनी इस जर्नी का एंड करते हैं और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट जर्नी में। तब तक के लिए जय हिंद।